व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इतने टाइम बाद मैं यहाँ पोलैंड से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड वो भी बस आज मुझे यहाँ से निकलना ही है। अभी अभी बस मैंने सारा सामान वगैरह पैक करा है, गाड़ी में रखा है। अभी मुझे सबसे पहले जाना है ड्रेसडन जर्मनी, अराउंड 3 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। वहाँ से ऋषभ को पिक करना है। यस, ऋषभ इज़ जॉइनिंग मी अगेन ऑन दिस ट्रिप एंड ये आई थिंक बहुत टाइम बाद एक इंटरेस्टिंग फन ट्रिप होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू नन अदर देन एम्स्टरडैम। एंड एम्स्टरडैम से बढ़िया पार्टी प्लेस कौन सी होगी? एंड फाइनली सब कुछ ओपन हो गया है एम्स्टरडैम में। बट आज हमारा प्लान है कि पहले मैं ऋषभ को ड्रेसडन से पिक करूँगा, देन हम जाएंगे हैनोवर जर्मनी, एक और जर्मन सिटी है बिल्कुल सेंटर में जर्मनी के। एंड देन कल सुबह सुबह हम निकलेंगे एम्स्टरडैम के लिए। तो आज आपको थोड़ी बहुत ये जर्मन सिटी दिखाता हूँ, मैंने खुद नहीं एक्सप्लोर करी है। बट अभी लेट हो रहे हैं तो फाइनली निकलते हैं। 3 घंटे लगेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने में। ऋषभ को पिक करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। गाड़ी में सारा सामान रख दिया है, ये दोनों कपड़े के बैग हैं, ड्रोन, कैमरा बैग, ट्राईपॉड, सारी चीज़ें सेट हैं। इस बार मैं 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ रहा है, तो इसे बंद करते हैं एंड चलते हैं फाइनली जर्मनी। एक तो यार गाड़ी इतनी गंदी हो रही है तो रास्ते में पहले एक बार गाड़ी भी साफ़ कराएंगे। पिछले 1 हफ्ते से इतनी बढ़िया धूप निकली हुई थी एंड इतना बढ़िया वेदर था एंड आज मैंने निकलना था तो फिर से पूरा क्लाउडी हो गया है एंड आई थिंक अराउंड 3-4 डिग्री होगा। तो अभी भी ठंड गई नहीं है यहाँ पोलैंड से, आई थिंक पूरा अप्रैल अभी भी ठंड रहेगी। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे कि इस वक्त पोलैंड में क्या सिचुएशन है, क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक अराउंड 3-1 मिलियन रेफ्यूजी आ चुके हैं। 30 लाख लोग एक साथ आना बहुत बड़ी बात होती है। बट यहाँ पर मुझे कोई नोटिसेबल डिफरेंस वैसे सिटी में नहीं दिख रहा, क्योंकि जितने भी लोग आ भी रहे हैं वो सारे मतलब ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन इसी के अराउंड है। तो वहाँ आप जाओगे तो यू विल फील इट। एंड वैसे भी मैं वेस्ट पोलैंड में रहता हूँ बिल्कुल जर्मन बॉर्डर के पास, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली फिर भी कम लोग आए हैं। अगर आप वॉर्सो जाओगे जो कैपिटल है पोलैंड की, ऑलमोस्ट सारा बंदा वहीं पे गया है, तो आई थिंक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको फील होगा। एंड और भी आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं। पहले एक बार फ्यूल स्टेशन चल के फ्यूल फुल कराते हैं गाड़ी का, क्योंकि जर्मनी में आई थिंक यहाँ से 30-40 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है आई गेस वो है फ्यूल प्राइसेस। पिछले 1 महीने में यहाँ 100 से 140 हो गया है पेट्रोल, बट स्टिल जर्मनी से सस्ता है। जर्मनी में आई गेस 160-170 है। एंड इवन जो मेरे साथ में पेट्रोल डलवा रहे हैं वो भी यूक्रेन से यहाँ पर आए हैं, उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी यूक्रेन की है। तो मैप्स पे 2.5 घंटा दिखा रहा है, ये मेरे यहाँ से सबसे पास जर्मन सिटी है। साइन है जहाँ से जर्मनी स्टार्ट होता है, क्योंकि जर्मन में जर्मनी को डॉयचलैंड कहते हैं। ये जर्मन बॉर्डर का साइन है। तो यार मैं पोलैंड में पिछले 4 साल से गाड़ी चला रहा हूँ एंड जिंदगी में इतना फुल हाईवे नहीं देखा। हमेशा यूजुअली इतने खाली रहते हैं पोलिश हाईवेज एंड आज बिल्कुल फुल पड़ा है, मैक्सिमम 100 गाड़ी चल रही है, वरना 160-170 ईजिली चलती थी। तो बस अब एक ही हो पाया कि जर्मनी में इतनी भीड़ ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जर्मन हाईवे पे स्पीड लिमिट नहीं होती है, ऐसा आपको पता ही होगा। सिर्फ 2-3 हैं जो छोटे हाईवेज हैं जर्मनी के जहाँ स्पीड लिमिट है, एंड अगर लिखी भी है तो मतलब वो आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप ज़्यादा चलाओगे भी तो आपके पास कोई फाइन वगैरह नहीं आएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी ये सारी स्पोर्ट्स कार होती हैं, लैम्बोर्गिनी, फरारी, इनकी भी टेस्टिंग जर्मन हाईवेज पे ही होती है, अगर आपको भगा के देखनी है। बट यार देखते हैं, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कि 100-120 से ज़्यादा गाड़ी चलेगी नहीं, इतने लोग जा रहे हैं, क्योंकि यही सेम हाईवे वॉर्सो भी जाता है, इसीलिए आई गेस इतनी ज़्यादा भीड़ है। बट स्टिल अभी 9 बजे हैं, 12:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ से ऋषभ को उठा के सीधा हैनोवर जाना है और 4 घंटे की ड्राइव है, तो आज टोटल आई थिंक 7-8 घंटे की ड्राइव होगी। एंड कल फिर सुबह एम्स्टरडैम की 4 घंटे की और ड्राइव है। अगर सीधा हम एम्स्टरडैम जाते, मतलब यहाँ मैं व्रॉत्सव से सीधा एम्स्टरडैम जाता तो अराउंड 11 घंटे की ड्राइव थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो जाता। तो मैं बिल्कुल बस जर्मन बॉर्डर पे पहुँच गया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ शेंगेन एरिया में यूरोप में कितना ईजी होता है। तो ये जो आप सामने बोर्ड देख रहे हो, बस यहाँ से अब जर्मनी स्टार्ट है, ये यूरोपियन यूनियन डॉयचलैंड का बोर्ड आ गया।
एंड नाउ वी आर इन जर्मनी। तो जर्मनी तो फाइनली पहुंच गया हूँ, सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है यहाँ से ड्रेसडेन एयरपोर्ट की, बट अभी ऋषभ को आधा घंटा लगेगा आने में, तो इतना सोच रहा हूँ कि गाड़ी साफ कर लूँ, फिर पता नहीं बाद में टाइम मिलेगा या नहीं। एंड गंदी गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो ऑलमोस्ट हर फ्यूल स्टेशन पे ऐसे ही है वैक्यूम क्लीनर लगे होते हैं, पहले अंदर से साफ करता हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पर 50 सेंट डालने हैं, 2 मिनट के लिए वैक्यूम चल जाएगा, आई थिंक अराउंड 2 यूरो लगेंगे, बट ये भी देखना पड़ेगा कि यूरो कैश पड़ा है या नहीं। तो किस्मत अच्छी थी कि फिनलैंड के यूरो बचे हुए थे सिक्के, यहाँ पर ही काम आ जाएंगे, वरना फिर अभी चेंज कराने पड़ते हैं मुझे। यहाँ पर जर्मनी में तो सबने मास्क लगाए हुए हैं अभी भी, बाकी किसी यूरोपियन कंट्री में लगाने की जरूरत नहीं है, जर्मनी के अलग ही रूल है, यहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस है हर चीज़ की, ये लोग ज़्यादा ही रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं जर्मन लोग। गाड़ी एकदम बढ़िया साफ हो गई है, अब जाके ऋषभ को पिक करते हैं। हाँ भाई चले, चलो कहाँ लेके जाएगा फिर? चलते पहले हैनोवर। हैनोवर पिछली बार भी जाना था जब जा नहीं पाए थे। हाँ पिछली बार हैमबर्ग चले गए। हैमबर्ग चले गए, हैनोवर देखते हैं कैसा है, वरना फिर कल सुबह सुबह एम्स्टर्डम। कितनी देर की फ्लाइट थी लंदन से? लंदन से थी 1 hour 45 minutes की फ्लाइट, तो ये तो कुछ भी नहीं था। हाँ तो जिस सिटी हम जा रहे हैं हैनोवर, वो बिल्कुल सेंटर में है जर्मनी के। पिछली बार भी जब हमने रोड ट्रिप करी थी तो हमारा प्लान था जाने का, बट हम जा नहीं पाए थे, तो इस बार देखते हैं। इवन दो हम सिर्फ स्टॉप लेने के लिए जा रहे हैं, कोई पर्पस उसे एक्सप्लोर करना नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है, वहाँ से फिर कल एम्स्टर्डम की ड्राइव आई थिंक 4 घंटे की और होगी। तो अराउंड 4.5-5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम यहाँ पर रुके हैं कुछ खाने, एंड जर्मनी आते ही मतलब कहीं भी रुको आपको डोनर कबाब जरूर मिलेंगे। ये पता है जर्मनी की नेशनल डिश बन गई है, टर्की से ज़्यादा यहाँ मिलते हैं जर्मनी। जर्मनी में ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इवन फ्यूल स्टेशन पे भी आपको 1 यूरो दे के वॉशरूम जाना पड़ता है। तो खाने के लिए कुछ हेल्दी लिया है, सबको स्पाइसी वीगन, एंड मैंने लिया है चिकन फाहिता। बढ़िया है ये कुकीज़ खा, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। ओके बता भाई कैसी है ये? वेरोनिका की फेवरेट है। वेरोनिका ने स्पेशली बोला था कि ऋषभ के लिए लेके जाओ। बहुत मस्त है, बढ़िया। तो अराउंड 7 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली पहुंच गया यहाँ पे हैनोवर, एंड अब एयरबीएनबी में चेक इन करना है, बट वो मिल नहीं रहा, आई थिंक ये वाला घर है, बट जाके देखते हैं, फिर आपको एयरबीएनबी भी दिखाता हूँ, एंड देन वील गो टू द सिटी सेंटर टू एक्सप्लोर। आई थिंक घर तो यही है, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है पार्किंग, आई थिंक ये गेस्ट है इसका मीनिंग, क्योंकि वहाँ पे भी एक और बोर्ड है, बट पता करके आते हैं। एयरबीएनबी तो यही लग रहा है, बट दिक्कत यह है कि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, एंड अब समझ नहीं आ रहा कि होस्ट को मैसेज कैसे करें, ना कोई नंबर वगैरह है, एंड मैं पावर बैंक नहीं लाया, तो पहले फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो यार अब लैपटॉप से फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। एंड फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है सिटी का, काफ़ी पीसफुल सी सिटी है। हमने एक और सिटी विजिट करी थी जर्मनी की, हैमबर्ग, बिल्कुल वैसी लग रही है। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, होस्ट तो रिप्लाई नहीं कर रहा है एयरबीएनबी का, मैंने लैपटॉप से फ़ोन भी चार्ज कर लिया, तो एयरबीएनबी पे मैंने रिक्वेस्ट डाली है अगर 1 घंटे में होस्ट का रिप्लाई नहीं आता तो वो फुल रिफंड देंगे, एंड देन हमें कोई और जगह देखनी पड़ेगी। बट आई डोंट नो व्हाई, ये बहुत बार मेरे साथ हो चुका है, जहाँ भी सेल्फ चेक इन नहीं होता है एयरबीएनबी में, वहाँ हमेशा प्रॉब्लम आती है चेक इन करने में। तो ये मैं आपको एक टिप दूंगा कि कभी भी अगर आप एयरबीएनबी बुक कराओ तो मेक श्योर इट हैज़ सेल्फ चेक इन, वो बहुत ही ईजी होता है, स्मूथ प्रोसेस होता है चेक इन करना। अगर होस्ट आपको आके पहले चाबी पकड़ाएगा तो इसमें हमेशा किसी ना किसी टाइप की कम्युनिकेशन, कोई ना कोई गैप ज़रूर रह जाता है। होस्ट ने अभी अभी आके चाबी दी है, तो अब जाके सामान वगैरह रखते हैं एयरबीएनबी में, फिर दिखाता हूँ आपको।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एयरबीएनबी, काफ़ी यूनिक एयरबीएनबी है, जो होस्ट हैं वो नीचे ही रहते हैं। एंड यहाँ से ये स्टार्टिंग है एयरबीएनबी की, ये आई थिंक इनकी डाइनिंग टेबल, एंड यहाँ पे पूरी किचन। ये बढ़िया चीज़ लगती है एयरबीएनबी की, मुझे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आपको किचन मिल जाती है एंड थोड़ी बहुत लिविंग स्पेस यहाँ पर है ये। एंड यहाँ से ऊपर जाके बेडरूम है, एक बेडरूम यहाँ पर है। यू ऑल्सो हैव अ वर्किंग स्टेशन, यहाँ पे मैं एडिटिंग करूँगा रात को। एंड दिस इज़ वन बेडरूम विद अ टीवी, एंड यहाँ पर ये शेल्फ वगैरह। एंड यहाँ से जाके वी हैव सेकेंड बेडरूम, इवन दो हम दो ही जने हैं, बट ये एयरबीएनबी काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी मुझे इस पर। तो एयरबीएनबी तो काफ़ी बढ़िया है, वैसे भी हमें एक ही रेंट स्पेंड करनी है यहाँ पे। एंड अब जल्दी से थोड़ा बहुत फ्रेशन अप वगैरह होते हैं, फिर हम जाएंगे यहाँ का जो मेन ओल्ड टाउन है वो एक्सप्लोर करने। तो यार बिल्कुल अभी अभी सनसेट हुआ है ना, अब निकल रहे हैं, इतना प्यारा सनसेट हो रहा था। यहाँ से अराउंड 15 मिनट ड्राइव है मेन सेंटर की। इवन दो जर्मनी में फ्यूल 190 है ऑलमोस्ट, बट फिर भी यहीं से डलवाना पड़ेगा क्योंकि नेदरलैंड्स में 220 है। वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर फ्यूल। तो हमें डालना है 95, ये 98 भी पेट्रोल होता है, एंड ये दोनों डीजल है। एंड सामने स्काई देखो, पूरा पिंक ही हुआ है, इतना प्यारा सनसेट हुआ है अभी। ओए ऋषभ, ये वो यूरो हैं जो मेरे कैसीनो के जीते हुए, एज इट इज रखे हुए थे मैंने, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कैश खत्म कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कैश कब आया आपके पास। फ्यूल जैसा आपको बताया था 77 यूरो का फुल हुआ। गाड़ी की पार्किंग तो इजीली मिल गई, बट फिर भी हम एक बार चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर पार्क कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि भाई जर्मनी में थोड़े रूल ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। वैसे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये ओल्ड टाउन, बट दूर दूर तक मतलब बिल्कुल डेड सीन है। अगर आप पोलैंड में या फिर किसी भी फेमस सिटी के ओल्ड टाउन जाओगे तो पूरा मतलब भरा हुआ होता है, सब इन्जॉय वगैरह कर रहे होते हैं। ये सिटी वैसे भी कोई टूरिज्म के लिए फेमस नहीं है, वो तो हमें सिर्फ एक रात बीच में स्टॉप लेना था, एंड यही एक थोड़ी सी मेजर सिटी दिख रही थी, तो हमने सोचा यहाँ पर ले लेते हैं। तो थोड़ा बहुत ये देखते हैं, कुछ खाते हैं, एंड देन बस फिर वापस एयरबीएनबी भी जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ से स्टार्ट है इनका ये ओल्ड टाउन। यू कैन सी ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स, एंड वहाँ पे है हैनओवर म्यूज़ियम। ये इनकी ये ट्रेडिशनल जर्मन आर्किटेक्चर है। फ्रैंकफर्ट आप किसी भी मेजर सिटी में जाओगे वहाँ पर भी ऐसी बिल्डिंग है सारी। तो काफ़ी छोटा सा ओल्ड टाउन है, आई थिंक ये बस एक मेन स्ट्रीट है, दोनों साइड रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। कुछ खाने का ढूंढ भाई बढ़िया सा। जर्मनी में अभी भी काफ़ी कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह जाओगे तो पता नहीं ये बूस्टर प्लस टेस्ट मांगते हैं। आई डोंट नो, लेट्स सी कि ऐसा कुछ है या नहीं। विष्णु ने हमें बताया था कि कोलोन में तो एटलीस्ट है। आई थिंक ये इनकी थोड़ी नाइट लाइफ वाली स्ट्रीट है, सारे यहाँ पर क्लब्स वगैरह हैं एंड बार्स। तो हमने डिसाइड किया कि इंडियन की जगह कुछ टर्किश खाते हैं, ये टर्किश रेस्टोरेंट ढूंढा है कि यहाँ जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है टर्किश क्यूजीन। टर्किश फिर टर्किश ट्राई करते हैं। तो थोड़े बहुत कबाब वगैरह मंगाते हैं, देखते हैं कि जर्मनी का टर्किश खाना कैसा है। बहुत सुना है यहाँ के टर्किश खाने के बारे में, हम सोच रहे हैं ये कबाब मंगाने का, अदाना कबाब एंड साथ में टर्किश पिज्ज़ा, उसे ये लामसून कहते हैं टर्किश पिज्ज़ा को। ये बेसिकली टर्किश पिज्ज़ा होते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि खाने से पहले इन्होंने हमें सैलड या ब्रेड, और ये इसको ये एज़ में कहते हैं, ये स्पाइसी टमाटो चटनी होती है और ये दही की बनी है। तो ब्रेड के साथ पहले ये खाओ, ट्राई करके बता। ये खाइयो, ये मैंने इस्तांबुल में खाई थी, बहुत ज़बरदस्त होती है। हाँ स्पाइसी होती है, बढ़िया एकदम, बढ़िया है ना। तो ये है पहली डिश, टर्किश पिज़्ज़ा लामासून। एंड सर्विस इतनी बढ़िया है कि यार इतनी देर में वो गरम गरम मतलब उन्होंने ब्रेड भी रिप्लेस कर दी, फ्रेश ब्रेड लाए हैं। तो ये ट्राई करते हैं टर्किश पिज़्ज़ा।